আগামী মাসে বাংলাদেশে একটি বিরল সামরিক মহড়ায় অংশ নিতে যাচ্ছে বাংলাদেশ ও চীন। চীনের জাতীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বৃহস্পতিবার এই তথ্য इसी मंथ चाइना और बांग्लादेश की जो मिलिट्री ड्रिल्स हैं, जो ट्रेनिंग्स हैं, वो स्टार्ट होने जा रही हैं। बहुत अहम और बड़ी खबर, क्योंकि सबको इंतज़ार था कि कब ये चाइना और बांग्लादेश की जो मिलिट्री ड्रिल्स हैं वो स्टार्ट होंगी। सो फाइनली ये स्टार्ट होने जा रही हैं, और बांग्लादेश का कहना है कि इस हवाले से कि वो बहुत कुछ सीखेगा चाइना से, और चाइना और बांग्लादेश की आपस में जो एक दोस्ती है वो भी और स्ट्रॉन्ग होने जा रही है, जिसको लेके इंडिया ने बहुत ज़्यादा खदशा जाहिर किया था कि अगर ऐसा होता है तो बांग्लादेश हमसे और भी दूर जा सकता है। तो बहुत ज़रूरी है कि बांग्लादेश के साथ अपनी दोस्ती जो है उसको पक्का किया जाए। वेल, यहाँ पे बांग्लादेश ने जो है इंडिया के जो दबाव है उसको बिल्कुल भी अपने ऊपर असरअंदाज नहीं होने दिया, और शेख हसीना ने बहुत सक्सेसफुली अपनी कंट्री के मफाद को लेके ये फैसला जो है किया है। आई एम श्योर आगे बांग्लादेश को इससे बहुत फ़ायदा होगा। वेल, अभी इस हवाले से रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट देखते हैं, ये मिलिट्री ट्रेनिंग्स कब स्टार्ट हो रही हैं और इसमें क्या क्या होने जा रहा है, बहुत अहम किस्म की रिपोर्ट है। वीडियो देखने से पहले, मेरे चैनल पे आप लोग न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाजमी लाइक किया करें। तो करते हैं, देखते हैं। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। আগামী মাসে বাংলাদেশে একটি বিরল সামরিক মহড়ায় অংশ নিতে যাচ্ছে বাংলাদেশ ও চীন। চীনের জাতীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বৃহস্পতিবার এই তথ্য জানিয়েছে। এ ব্যাপারে ভারত বলছে বাংলাদেশ ও চীনের এই সম্ভাব্য যৌথ মহড়ার দিকে বিশেষ নজর রাখছে তারা। ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেছেন যে ভারত এই যৌথ মহড়ার ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখবে। চীনের বার্তা সংস্থা সিনহুয়া বলছে দুই পক্ষের সম্মতির ভিত্তিতে চীনের পিপলস লিবারেশন আর্মি পিএলএর একটি কন্টিনজেন্ট যৌথ মহড়ায় যোগ দিতে মে মাসের শুরুতে বাংলাদেশে আসবে। এ সময় বিশেষ প্রশিক্ষণও থাকবে। এ সময় উদ্ধার কার্যক্রম, জিম্মিদের উদ্ধার, সন্ত্রাসী ক্যাম্প থেকে জিনিসপত্র সরানোর কার্যক্রমের মহড়া হবে। জাতিসংঘের সন্ত্রাস বিরোধী শান্তিরক্ষী কার্যক্রমের অংশ হিসেবে এই মহড়া। বার্তা সংস্থা সিনহুয়া বলছে এর মধ্য দিয়ে এই প্রথম চীন ও বাংলাদেশের সামরিক বাহিনী যৌথ মহড়া করতে যাচ্ছে। এতে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক আরও এগিয়ে যাবে বলে মনে করছে চীন। এ ব্যাপারে বৃহস্পতিবার ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাপ্তাহিক ব্রিফিংয়ে প্রশ্ন করা হয়। মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল এ সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, প্রতিবেশী দেশ কিংবা অন্যত্র এ ধরনের মহড়ার ওপর ভারত সবসময় দৃষ্টি রেখে চলেছে। তিনি আরও বলেন, এ সংক্রান্ত বিষয়ে অর্থাৎ চীন ও বাংলাদেশের যৌথ মহড়ার ব্যাপারে বহুবার আমি আমাদের অবস্থান জানিয়েছি। প্রতিবেশী রাষ্ট্র বা অন্য কোথাও সব ধরনের ঘটনার উপর আমরা নজর রাখি, বিশেষ করে আমাদের আগ্রহের জায়গা, অর্থনীতি ও নিরাপত্তার উপর যদি প্রভাব ফেলে সেসব বিষয়ে আমরা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপও গ্রহণ করে থাকি। তো এখন এতটুকুই। নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে খুব দ্রুতই হাজির হবো ইনশাল্লাহ। সে পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, ইনফরমেটিভ বাংলার সাথেই থাকুন। দেখা হবে আবারও। जी, ये रिपोर्ट आप लोगों ने देखी है। इंडिया बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार है। बैक टू बैक उसको इतने ज़्यादा धचके लगे हैं कि ना तो वो अपनी दोस्ती श्रीलंका के साथ मेंटेन कर सके, ना भूटान के साथ, ना नेपाल के साथ, और ना बांग्लादेश के साथ एज सच मेंटेन कर सक रहा है। बांग्लादेश अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हवाले से चाइना के साथ डे बाई डे उसकी जो दोस्ती है वो स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। अब यहाँ पर मिलिट्री कॉरपोरेशन बढ़ता जा रहा है, जो ड्रिल्स हैं तारीख में सब पहली दफ़ा जो है चाइना और बांग्लादेश के दरमियान जो मिलिट्री ट्रेनिंग्स हैं वो होने जा रही हैं, जिससे बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि ऐसी कोई सिचुएशन होती है जिसमें बांग्लादेश को अपने दुश्मन के साथ फाइट करना पड़ती है, तो इससे में इस तरह की ट्रेनिंग्स जो हैं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं आपकी अपनी कंट्री के सोल्जर्स के लिए। तो ये जो जो इस तरह की ट्रेनिंग्स हैं वो बहुत यूज़फुल होती हैं। तो इंडिया इसको लेके काफ़ी ज़्यादा खच्चे का शिकार है कि ये जो चीज़ हो रही है इसका इम्पैक्ट क्या होगा। इंडिया ने सिक्योरिटी कंसर्न्स जो हैं वो शो किए हैं। इंडिया हमेशा से ही अपने कंसर्न्स शो करता है, कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई भी डील हो, इंडिया के सिक्योरिटी कंसर्न्स सामने आ जाते हैं और डायरेक्ट इंटरफेरेंस बांग्लादेश के अंदर की जाती है, जो कि नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह है कि शेख हसीना ने बिल्कुल इंडिया का जो दबाव है उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उसे कबूल नहीं किया, बल्कि
अपनी कंट्री के मफाद के लिए फैसला किया है। आप लोग क्या कहेंगे इस हवाले से, आप लोगों का जो भी कहना है लास्ट में बताएं, कमेंट सेक्शन में वीडियो को लास्ट में लाइक किया करें, शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का भी। आई विल सी यू, टिल देन टेक केयर, हाफिज़, बाय।